गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का प्लान है, अब क्योंकि मैं गंजा हो रखा हूँ तो मेरा प्लान था अपने मेन चैनल पे एक हिटमैन वीडियो के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। तो उसके लिए हिटमैन कॉस्प्ले तो बनता है, ये मेरा पहली बार एक कॉस्प्ले का प्लान है। वैसे तो इतना कुछ हाइपर नहीं जाने वाला मैं, लेकिन जिस हिसाब से मेरी लुक है, मैंने थोड़ा सा कल ट्राई किया था एंड थोड़ी बहुत लुक आ रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना पूरा किया जाए। तो बेसिकली तो ये है हमारे हिटमैन भाई साहब, जिनका रूप हम ट्राई करने वाले हैं। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो एक बॉल्ड हेड की थी, वो मेरे पास है। ये ब्लेजर चाहिए मुझे ब्लैक कलर का एक, और एक वाइट शर्ट और एक रेड टाई। टाई तो मैं कल खरीद के ले आया था। शर्ट मेरे पापा के पास बहुत सारी हैं वाइट प्लेन, तो मैंने वही ले ली थी। ये मैंने ट्राई भी करी थी और टाई के साथ सूट भी कर रही थी। अब मुझे चाहिए एक ब्लेजर, तो ब्लेजर मेरे पास है नहीं। ये ब्लैक कलर की जैकेट मैंने अपने फ्रेंड से मंगाई थी कल, ये बैकअप है। अभी पहले मैं ब्लेजर का इंतजाम करके देखूंगा। तो अभी मैं जाऊंगा शॉप पे, ब्लेजर मिलता है तो बहुत मस्त हो जाएगा काम, नहीं मिलता तो जैकेट तो है ही बैकअप के लिए। इस बंदे ने ब्लैक कलर के ग्लव्स भी पहन रखे हैं। ग्लव्स तो मेरे पास हैं बट वो ब्लैक कलर के नहीं हैं। फिर मेरे को गन का भी इंतजाम करना। बाय द वे, कल हम ये क्रिसमस ट्री खरीद के लाए थे क्रिसमस के लिए, ऑब्वियसली। इस बैग में सजाने वजाने का सामान पड़ा है, जब इसको डेकोरेट करेंगे उसका भी व्लॉग आ जाएगा। ये अभी मैं जाता हूँ शॉप पे ब्लेजर खरीदने, देखते हैं मिलता है या नहीं। Eventually. और ये आ गया मेरा कोट। मैं इतना एक्साइटेड कभी नहीं होता अपने लिए सामान लाने के लिए, सच में। स्पेशली कोट जैसी चीज, अगर मेरे को शादी में जाना होता ना, मैं कोई भी नॉर्मल कपड़े पहन लेता अगर मेरे पास कोट नहीं होता तो। लेकिन अगर मेरे को कॉस्प्ले करना है और उसके लिए कोट चाहिए, हेल यस। ऑलराइट, तो ये है हमारा कोट। अब ये पार्टी वेयर में इसलिए ले आया ताकि कॉस्प्ले के बाद भी मैं इसे यूज कर सकूं आराम से, क्योंकि ऑफिस वाला कोट मैं नहीं लाया क्योंकि ऑफिस तो कभी जाना नहीं। हिटमैन का कोट और मेरा कोट बहुत डिफरेंट है, लाइक ये जो लाइंस हैं इसमें और इसमें कोई लाइंस नहीं है, लेकिन इतना लाइक इतनी ड्रामा पंती भी ठीक नहीं है। वैसे ये काम कर जाएगा, इतना पता है मुझे। एक बात तो है, मुझे ये नहीं पता था ब्लेजर्स इतने महंगे आते हैं। बाप रे, मैं सीरियसली जितना मैंने प्राइस सोचा था उससे महंगा है ये, व्हाट द हेल। अब थोड़ा सा फेस वॉश करके चमक जाता हूँ और उसके बाद ड्रेस पहनेंगे। ठंडा पानी। पूरा ओवल शेप है, मैं अंडे जैसा लग रहा हूँ। ये चीज कैमरे पे करने का मजा ही कुछ और है। मुझे काले कोट से मतलब था, मैंने ज्यादा ध्यान ना दिया, बस काला कोट मांगा लिया है चुपचाप। चमक गया भाई। ऑल राइट, मैं तो अभी से हिटमैन लग रहा हूँ, अभी तो यही पहन रखा मैंने। तो अभी मैंने पजामा पहन रखा है, मेरे को जीन्स पहननी पड़ेगी। ये रही मेरे पास एक ब्लैक जीन्स है, पेंट वेंट नहीं पहनने वाला मैं, वो मेरे को बहुत बेकार लगती है और मेरे पास है भी नहीं ब्लैक कलर की। आई एम प्रीटी श्योर इस जीन्स से काम चल जाएगा, मैचिंग मैचिंग है। कल मैंने हिटमैन का थोड़ा सा लुक ट्राई किया था, वो शर्ट और टाई पहन के, और भाई साहब बड़ा बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही एपिक हिटमैन कॉस्प्ले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने आप से। पता नहीं मैं कैसा लगूंगा बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और राइट, जीन्स पहन ली, बहुत ठंडी है ये, आय हाय, पर टाइट है और सूट कर रही है तो ओके। अब ये है वो वाइट शर्ट जो मेरे को पहननी है, वो मैं इसी के ऊपर पहन लूँगा क्योंकि यू नो टाइट हो जाएगी और काफ़ी फिट आ जाएगी। मतलब बेसिकली ये मेरे पापा की शर्ट है, वो प्लेन ही पहनते हैं, मेरे पास तो थी नहीं। अभी बाल्टी दूसरे कमरे में है इसीलिए मैं ये ऐसे यूज़ करूँगा अपने कैमरे को, इस पे रख के जुगाड़। एंड ये हो गया फिक्स। ऑल राइट, आ रही है थोड़ी थोड़ी फील्स हिटमैन वाली, पता नहीं अभी देखते हैं। ये भी हो गया। अब आ रही है टाई की, मैंने टाई कल भी ट्राई करी थी लेकिन मेरे को बांधनी नहीं आती ये वाली टाई, जो लंबी वाली होती है ना, स्कूल में वो रबड़ वाली बांधता था बस वही आती है, तो मेरे को ट्यूटोरियल्स देखना पड़ेगा फिर से।
Okay, मैंने बान तो दी बट वही है ना यार ये क्या है ये अच्छी अच्छी बंदी है मेरे को तो पता नहीं। All right, आ रही है थोड़ी थोड़ी फील मैंने इतना ही ट्राई करा था मैंने कल और मुझे थोड़ा सा सही लग रहा था तो मुझे लगा आई कैन पुल इट ऑफ टाई सही बन गई यार ये मेरी थर्ड ट्राई है जिंदगी की नहीं जिंदगी की तो पांचवी छठी होगी दिस इज एजेंट 47 अगर अच्छा नहीं लगा मैं तो क्रिंज हो जाएगा मामला सही तो लग रही है ये बट बड़ी छोटी है मतलब पतली है थोड़ी ऐसे और ऐसे होनी चाहिए थी ना अब बारी है जूतों की तो मेरे पास तो ये जूते सूट करेंगे इसमें मैंने अखबार ठूस रखे हैं बिकॉज ये जूते मेरे बहुत ढीले आते हैं लाइक अगर मैं इसे ये पहनूं अभी तो ये देखो ये पूरा पैर निकल जाता है मेरा उंगली जा रही है 3-4 वो भी मेरी लेकिन यही जूते सूट करेंगे तो यही पहन लेते हैं तो अभी तक इतना किया है मुझे काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इस टाई और ये व्हाइट शर्ट को देख के सच में ऑलराइट हियर वी गो ओ बाप रे ये छोटा कैसे अचानक से व्हाट मैंने वहां पहन के देखा था ओ डैम ओके एक्सक्यूज मी व्हाट द फक मैं इतना सही क्यों लग रहा हूँ भाई हाँ ये तो एक्चुअल में पार्टी वेयर वाला सीन हो गया भाई काफ़ी टाइट है ये क्योंकि मैंने 3-4 कपड़े पहन रखे हैं इसके नीचे बट फिर भी ओह ये रे टाई बांधने वाला कोई होता ना यहाँ पे मेरे को टाई बांधनी नहीं आई सही से ये मोटी मोटी सी नहीं लग रही बट दूर से पता नहीं चल रहा ये बात अच्छी है अभी ये सब हटा देता हूँ और ये जो ये शाइनी वैसे इतनी दूर से ये शाइनी जो चीज लगी हुई है ये पता नहीं चल रही ना पास आके पता चलेगा ऐसा कुछ लगा हुआ है दूर से तो पता ही नहीं चल रहा सही लग रहा हूँ यार हाँ मेरी ड्रेस और इसकी ड्रेस में फर्क है वैसे तो लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे तो आई थिंक मैंने पुल ऑफ कर दिया यार ये चीज ना ये टाई यार क्या है ये बकवास सही लग रहा हूँ मेरे हिसाब से तो मैं अगर अपना सीरियस फेस बना लूँ मैं तो लग नहीं रहा हिटमैन मेरे जैसा फनी बंदा कैसे हिटमैन बन सकता है देखो हिटमैन वगैरह का तो पता नहीं मैं लुक में तो बढ़िया लग रहा हूँ मेरे हिसाब से पहले मैं ये व्लॉग बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को लग रहा था स्टूपिड सा आइडिया है लेकिन आई एम ग्लैड मैंने ये व्लॉग बनाया है वाली फील आ रही है हेलो दिस इज एजेंट 47 सीआईडी वीआईडी का पार्ट लग रहा हूं मैं तो अब मेरे को बस हिटमैन रिकॉर्ड करनी है मेन चैनल के लिए वो करते हैं पहले उनको दिखाता हूं पहले कैसा लग रहा हूं मैं ये देखो भाई कैसा लग रहा हूं जज लग रहे हो आप तो जज लग रहा हूं मैं मम्मी ये देखो जरा कैसा लग रहा हूं अजीब से अरे मैं फोटो दिखाता हूँ हाँ हाँ तो ये पार्टी के लिए नहीं है मैं फोटो दिखाता हूँ तुम्हें ये जो फोटो है ना ऐसा बना हूँ मैं अच्छा। लग रहा हूँ थोड़ा सा हाँ बस यही चाहिए था चाची ये देखना जरा अजीब लग रहा हो क्या लग रहा हो एक ना गेम कैरेक्टर है मेरे को वो बनना है तो टाई बांधोगी बांधनी आती है ये बात तो है बिना फोटो दिखाए किसी को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ है ना वैसा ही लग रहा हूँ ना मैं बस ठीक है यही चीज पुल ऑफ करनी थी मुझे तो ये भी पकड़नी है क्या ना ब्रीफ केस वगैरह तो नहीं है ऐसा तो बंदूक भी मम्मी भी वही कह रही है बंदूक भी ले रहा बंदूक कहाँ से लाऊंगा मैं डुगू बंदूक है तेरे पास देखो भाई मेरे लिए ये लेके आए हैं ये बेइज्जती कराओगे तुम लोग हिटमैन हूँ मैं लग रहा हूँ मैं इंटिमिडेटिंग डरावना अब मुझे बस वीडियो शूट करनी है लेकिन मेरे को भूख लग रही है पहले तो मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा वैसे ये मेरा जो वेबकैम है ना अब ठंड आ चुकी है तो यहाँ पे वाइट हो जाता है ये पूरा ब्लरी हो जाता है तो इसे एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है ताकि ये गर्म हो सके और वो सारी भाप और फॉग जो है ना वो हट सके ऐसे क्या देख रहे हो भाई हिटमैन को भी भूख लगती है ऑलराइटी वीडियो रिकॉर्ड कर दी मैंने आप लोगों ने ये वाली वीडियो देख ली होगी ऑलरेडी मेरे मेन चैनल पे बिकॉज ये वाली वीडियो इस वाली वीडियो के बाद ही आएगी और मैं पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ बेकार में मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक रील भी बनाई है अपने हिटमैन कॉस्प्ले में अब
कॉस्प्ले किया है, रील बनाना तो बनता है। अगर आप लोगों को देखनी है तो जाओ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अभी करो, इंटिमिडेटिंग लग रहा हूँ ना मैं। इंस्टाग्राम पे कुछ आगे और रील्स बनाने का भी प्लान है मेरा, काफी मजा आ रहा है, एक दो बनाई है, ये तीसरी है मेरी। और आज का ये व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा ये हिटमैन कॉस्प्ले व्लॉग देखने में। अब मैं फटाफट ये ड्रेस चेंज करता हूँ, सुबह से ऐसे ही घूम रहा हूँ, शाम हो गई। अगर ऐसे व्लॉग्स और देखना चाहते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ। बाकी ये हिटमैन अपने मिशन पर चला, गुड बाय।